बीजेपी का एक एजेंडा है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और लोगों को गुमराह करो। अब जयराम जी के साथ आफत यह है कि 5 साल का उनका जो कुशासन था उसका तो वो हिसाब देते नहीं है। 75,000 करोड़ का कर्जा वो छोड़ के गए, 12,000 करोड़ का कर्जा या जो देनदारी है हमारे जो कर्मचारियों का उसकी वो बात नहीं करते हैं। तो 1 साल के अंदर अगर आप पिछला जाएंगे तो हमने कांग्रेस की जो 1 साल का कार्यकाल रहा संघर्ष वाला भी रहा और चुनौतीपूर्ण भी रहा। संघर्ष इसलिए करना पड़ा हमें जो है केंद्र की कोई मदद हमें जो है आपदा में नहीं मिली, पूरा प्रदेश आपदा में फंसा रहा। इतनी ज़्यादा त्रासदी हिमाचल में पहले कभी नहीं हुई, हज़ारों लोग बेघर हुए, हज़ारों के मकान चले गए, हज़ारों बीघे ज़मीन बह गई, सड़कें, पानी की योजनाएं, बिजली की योजनाएं सारी प्रभावित हुई। केंद्र सरकार से हमें क्या मिला? जब अगस्त के महीने में जब हमें भारी मदद की ज़रूरत थी 200 करोड़ रुपये मात्र मिला। उसके बाद अभी जो है 3-4 हफ्ते पहले जो है बाकी 433 करोड़ की घोषणा की जिसमें से 300 कुछ करोड़ आए, तो 633 करोड़ रुपये कुल केंद्र ने जो 12,000 करोड़ हिमाचल का नुकसान हुआ उसके एवज में दिया है, जो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। बल्कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो जनता है जिसमें हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे जिन्होंने अपने जो है सेविंग्स में से भी जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया है, हमारे जो है महिलाओं ने योगदान किया है, हमारे नागरिकों ने योगदान किया है, हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने योगदान किया है, 250 करोड़ रुपये तो लोगों ने जो है राहत में दिया, इतनी त्रासदी को देखते हुए दिया। इतना पैसा कभी जो है लोगों की तरफ से जमा नहीं हुआ सरकार के खाते में। तो लोग जानते थे कि हिमाचल में बहुत बड़ी त्रासदी आई और केंद्र सरकार ने कोई सहायता नहीं दिया, और जयराम जी जो है सिर्फ जो है ये जो है कागजी जो है बयानबाजी करते रहे और कुछ नहीं किया। केंद्र में इनकी सरकार है, एक पैसा वो ला लेके नहीं आए, और यहाँ तक कि इन लोगों का मुझे लगता है कि जो कर्ज की जो लेने की एक सीमा होती थी हर स्टेट के लिए है वो हिमाचल को घटा दिया इन्होंने, जानबूझ के घटाया ताकि हिमाचल को और आर्थिक जो है कंगाली की तरफ धकेले। ये केवल हिमाचल को जो है नकारात्मक जो है बयानबाजी करके और केंद्र में इनकी सरकार से हमें जो है हमारे ऊपर हर तरह के अंकुश लगाकर हमारे साथ जो है ये एक हिमाचल के हितों की रक्षा नहीं कर रहे बल्कि हिमाचल के विरोध में जयराम जी का बयान है ये सब। इस बार प्रदेश में लंबे अरसे से जो है सूखे की स्थिति बनी हुई थी, परंतु पिछले कल जो प्रदेश के बहुत सारे इलाके में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में भारी बरसात हुई है उसका निश्चित तौर पर जो है बागवानों और किसानों को तो फायदा हुआ ही हुआ है। वहाँ पर जो हमारी वन संपत्ति है जिसमें भी जगह जगह पे जो आगजनी की घटनाएं घटी उसके ऊपर भी रोक लगी है, तो बहुत शुभ जो है एक हुआ है कि हमारे यहाँ पर अच्छी जो है बारिश भी हुई और बर्फबारी भी हुई। बाकी आप बात कर रहे हैं, अभी तो हम बर्फ के इंतजार में ही थे तो बर्फ के आने के हम जो है खुशियाँ मना रहे हैं, परंतु ये बर्फबारी जो है हर साल होती है और अब जगह जगह पे खासकर जिन जगहों पे कोई हमारे जो है हिम संकलन की घटनाएं होती है जैसे अवलांचेज होते हैं तो उन जगह पे प्रिकॉशनरी उसके लिए जो है प्रशासन की तरफ से हमने पीछे मीटिंग भी की थी और प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखा गया है, कोई ऐसी घटना घटेगी तो उसको तुरंत जो है राहत के लिए हम दौड़ेंगे। बंद नहीं है आज की तारीख में जो है रास्ते बंद बर्फ पड़ने पे, तो शिमला में भी अभी 3-4 घंटे जो है आपने देखा होगा यहाँ यातायात जो है दुरुस्त नहीं हुआ जबकि कम बर्फबारी, तो ये तो एक कुदरती वो है तो उसको साफ तो करना पड़ेगा। तो जनजातीय क्षेत्रों में भी बहुत सारे हमारे जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं जिसमें हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उनका दायित्व है और वो भी लगे हैं सफाई बर्फ़ की जो है सफाई के लिए, और बाकी जो लिंक रोड्स हैं उसमें हमारे PWD विभाग की तरफ से हर साल जो है इसकी जो है सफाई की जाती है और हम जो है तेज़ी से जो है यातायात को दुरुस्त रख रहे हैं। उनका कहना तो वादे पूरे हो रहे हैं, आप बताइए OPS का वादा पूरा नहीं हुआ, रोज़गार का वादा क्या पूरा नहीं हुआ, क्या हम जो है दूध खरीदने की जो हमने योजनाएँ बनाई उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। पर उनको सबको ये भी समझना चाहिए कि 1 साल का समय हमारा किस किस्म का रहा, आपदाओं से भरा हुआ जो एक समय रहा उसमें हमें जो है ठीक है निश्चित तौर पर
कि हम जो है कुछ और आगे करना चाहते थे, उसमें हमारे जो है पांव रुके हैं, परंतु आने वाले समय में तो हम एक एक चरणबद्ध तरीके से अपनी गारंटियों को पूरा करेंगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी राय रखने को सबका अधिकार है। अगर वो कुछ कह रहे होंगे तो अपने हिसाब से किसी जगह पे ठीक भी हो सकते हैं। अब विपक्ष तो हर तरह की कोशिश करेंगे, और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देख रहे हैं, क्योंकि इनका तो काम ये है कि चुनी हुई सरकार को गिराना, और वो आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा हुआ जिस किस्म से केंद्र की सरकार ने एक एक करके चुनी हुई सरकारों को गिराने में जिस किस्म का इन्होंने एक नया एक तरीका अपनाया, और जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली एक कोशिश इन्होंने की, कोशिश बल्कि ये हम कोशिश नहीं कहेंगे बल्कि एक षड्यंत्र किया है कि भाई आप चुनाव से नहीं जीतेंगे तो ईवीएम से जीतो, ईवीएम से नहीं जीतोगे तो फिर आप जो है विधायकों को जो है खरीद फरोख्त करके आप लोकतंत्र को कमज़ोर करो। तो ये तो उस किस्म के सपने देख ही रहे हैं, अपने घर में जा के देखें उधर क्या हाल हो रहा है, वहाँ तो जो है लोकतंत्र तो अंदर ख़त्म हो गया, दो लोग इनकी पार्टी चला रहे हैं, बाकी वहाँ पर जो है परिवारवाद जो है भाजपा में आज जो है चरम पर, जिसका ये विरोध करते थे, आज इनके जो शीर्ष नेता है उनके परिवार के लोग जो है सभी बड़े बड़े संस्थाओं में पार्टी में छाए हुए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।